हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास पीसीज के बारे में, और आज का है जो हमारा लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने इस लेक्चर में आज हमने पूरा पूरा पीसीज समाप्त कर दिया। दोस्त, एक ही लेक्चर में सब कुछ आपको मिलेगा और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इस लेक्चर में नहीं मिलेगा, आपके क्लास पीसीज का कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक ही लेक्चर में सब कुछ। इस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से, देखते हैं पहला पॉइंट क्लास पीसीज के बारे में। आप जानते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, मछली पढ़ना है। ठीक है, मछलियों के बारे में पूरा पढ़ना है। तो स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त, इक्थियोलॉजी कहते हैं। और ये जो मछलियां हैं इनकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है, किस पीरियड को माना जाता है, किसमें ये उत्पत्ति हुई इनकी, तो ओरिजिनेटेड इन आर्डोवेशियन पीरियड। कब इनकी उत्पत्ति हुई, आर्डोवेशियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा के आर्डोवेशियन पीरियड में। और वो जो उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी ये मछलियां आर्डोवेशियन में, ये जलस्थी अर्थात जबड़े रहित थी, जबड़ा उसमें नहीं था। ठीक है, और डेवोनियन पीरियड को गोल्डन एज ऑफ फिश कहा जाता है, या गोल्डन पीरियड ऑफ फिश कहा जाता है। देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट किया दोस्त। ठीक है, कि डेवोनियन पीरियड को गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज ऑफ फिश कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनेट ऑर्डोवेशियन में और गोल्डन एज कहा जाता है डेवोनियन को। और पीसीज की लगभग 40,000 स्पीसीज हैं पीसीज की, इस कारण से इसे लार्जेस्ट क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, लार्जेस्ट क्लास कहा जाता है इस पीसीज को। और देखिए क्लास कितने हैं, पांच हैं आपके परम, कौन से परम, ये आप देख लीजिए, पी फॉर पीसीज, पीसीज ए फॉर एवीज, एवीज और आर फॉर रेप्टाइल्स और ए फॉर एम्फीबिया और एम फॉर मैमल्स। तो इन सभी में से सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, पीसीज, क्योंकि इसमें लगभग कितनी है, 40,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा देखना हो कि कैसे इसको सबसे बड़ा क्लास कहा जाता है, तो हम आपको दिखाते हैं दोस्त। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कैसे बड़ा सबसे क्लास कहा जाता है। क्लास देख रहे हैं पांच पीसीज है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया। ठीक है, पीसीज में लगभग 40,000 स्पीसीज हैं और एम्फीबिया में लगभग 2,500 हैं, 2,500, रेप्टाइल्स में 7,000 हैं और एवीज में लगभग 9,000 और मैमेल्स में लगभग कितने, 5,000 स्पीसीज शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं 40,000 स्पीसीज हैं, इस कारण से क्या कहा जाता है, इन सभी में लार्जेस्ट क्लास कहा जाता है, लार्जेस्ट क्लास इन पांचों में से कहा जाता है पीसीज को। और पीसीज के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त, आप जानते हैं हर्पिटोलॉजी कहते हैं, और एवीज के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहते हैं, और यहां पर मैमेलिया को, इसके अध्ययन को कहते हैं मैमोलॉजी। और इसकी जो ओरिजिन है दोस्त, पीसीज की ओरिजिन आर्डोवेशियन में हुई थी और एम्फीबिया की डेवोनियन में और रेप्टाइल्स की कार्बोनिफेरस में, और यहाँ पर एवीज की जुरैसिक में हुई थी इसकी ओरिजिन, और मैमेलिया की ट्रायसिक में इसकी ओरिजिन हुई थी। फिलहाल हम देखेंगे पीसीज आया कहाँ से, इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे आगे, लेकिन आगे चलते हैं दोस्त फटाफट के अंदाज में बिल्कुल। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, तो जहाँ हम बात कर रहे थे फिर से आते हैं। देखिए फर्स्ट फिश इवॉल्व वाज ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म सबसे पहली विकसित फिश थी, सबसे पहली विकसित फिश थी कौन थी, ऑस्ट्रेकोडर्म। ठीक है, अगला पॉइंट्स है फिशेस आर एक्वेटिक, मछलियां कैसे होती हैं, जलीय होती हैं, विद गिल्स, गिल्स के साथ होती हैं। देखिए एक्वेटिक में भी आप जानते हैं कि कुछ फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय मछलियां होती हैं, कुछ मैराइन, मैराइन अर्थात कैसे लवड़ी जल वाली मछलियां होती हैं। तो मछलियां फ्रेश वाटर वाली भी होती हैं, मैराइन वाली भी होती हैं, और इसमें जो गिल्स होते हैं पाए जाते हैं फॉर रिस्पिरेशन अर्थात सांस लेने के लिए, इसमें क्या उपस्थित होता है दोस्त, गिल्स होता है एंड फिन्स, पंख होते हैं इसमें फॉर लोकोमोशन, चलने के लिए क्या होते हैं इसमें, पंख होते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त इसमें और क्या कह रहा है। देखें बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, इसका जो शरीर है फिश का वो बटा होता है हेड में, ट्रंक में और टेल में, सिर, धड़ और पूंछ में, और नेक इज अब्सेंट, इसमें नेक क्या होती है, अब्सेंट होती है फिशेस में। ठीक है, नेक क्या होती है दोस्त, अब्सेंट होती है। ठीक है, अगली खास बात क्या है दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है लोकोमोशन बाई पेयर्ड, लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, गमन किसके द्वारा करते हैं,
पेयर्ड जोड़ी में इसमें क्या होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिंस। देखिए फिंस जो होती हैं कितनी होती हैं, जो पीपी मैंने कल के अपने लेक्चर में बताया था कि पेयर्ड फिंस पूछेगा तो पेक्टोरल और पेल्विक फिंस होते हैं, ये जोड़ी में होते हैं, पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड ठीक है। पेक्टोरल फिंस और पेल्विक फिंस जोड़ी में होते हैं, और डॉर्सल फिन काउडल फिन ये कैसे होते हैं, ये अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं ठीक है, ये अनपेयर्ड होते हैं। अभी हम बात भी करेंगे कहां होती हैं ये जो है जो फिंस होती हैं कहां होती हैं, अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए स्किन यूजुअली विथ स्केल्स, इनका जो त्वचा है उस पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। किस तरह से आप जानते हैं रूसी शहर, इस तरीके से आप कुछ नाम देते हैं इसको ठीक है। और ये जो स्केल्स हैं कॉमन स्केल तीन प्रकार की होती हैं, प्लेकॉइड स्केल और साइक्लॉइड स्केल और टीनॉइड स्केल ठीक है, और एक गेनॉइड स्केल भी होता है ठीक है। लेप्टोस्टियस में गेनॉइड स्केल होती है, कौन सी, गेनॉइड स्केल किस में, लेप्टोस्टियस में गेनॉइड स्केल विशेष एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और प्लेकॉइड स्केल किस में होती है भाई, ये होती है स्कोरियोडॉन में ठीक है। अगली खास बात क्या है, स्केल्स आर डर्मिनल इन ओरिजिन, जो स्केल होती हैं इसमें ओरिजिन में कैसी होती हैं, डर्मिनल होती हैं। अगली खास बात ध्यान दीजिए, मछलियों में फिशेस में माउथ इज टर्मिनल अथवा वेंट्रल होता है, मछलियों में जो मुख होता है दो प्रकार का होता है, या तो टर्मिनल होगा या तो कैसा होगा, वेंट्रल होगा। अब टर्मिनल और वेंट्रल क्या है इसको ध्यान रखिए, जो टर्मिनल माउथ कहते हैं ये होता है बोनी फिशेस में, किस में होती हैं, बोनी फिशेस में होता है टर्मिनल माउथ, और वेंट्रल माउथ होता है कार्टिलेजिनस अर्थात उपास्थि वाली मछलियों में, जिनमें उपास्थि होती है कार्टिलेजिनस होता है, और जिसमें अस्थि होती है हड्डी होती है उसमें मुख कैसा होता है, उसमें होता है टर्मिनल। टर्मिनल देखिए दोस्त किसे कहेंगे, ये मछली है, मछली के कहाँ, जब ये दोनों के बीचों बीच यहां हो पोजीशन पर माउथ, तब इसे टर्मिनल माउथ कहते हैं। ये कौन सा माउथ है, टर्मिनल माउथ है, और जब ये माउथ कहां हो, यहां से बिल्कुल कहां हो, थोड़ा सा नीचे हो, तब इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, तब इसे कहते हैं वेंट्रल माउथ। ये है कौन सा, वेंट्रल माउथ ठीक है, वेंट्रल माउथ है। अब फिंस की बात कर रहे थे तो ये है काउडल फिन दोस्त, कौन सी है, काउडल फिन, या इसी को टेल फिन कहते हैं, टेल फिन कहते हैं, और यहीं पर होती है एनल फिन, एक क्या होती है, एनल फिन होती है दोस्त, और यहां पर होती है पेल्विक फिंस ठीक है, नीचे पेल्विक फिंस, और यहां पर एक फिंस एक जोड़ी होती है इधर एक उस साइड में, तो उसे कहते हैं पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल, और यहां पर जो फिंस होती है उसे डॉर्सल फिन कहते हैं, डॉर्सल फिन कहते हैं। तो पेक्टोरल और पेल्विक ये पेयर्ड में होती है, पेयर्ड में होती है, बाकी अनपेयर्ड होती है ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आगे अगला इसका पॉइंट्स क्या है, अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको समझिए ध्यान से। स्केल्स आर अब्सेंट, स्केल देखिए मेनली मुख्य रूप से स्केल प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ में क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो दोस्त किसमें अब्सेंट होता है, कैट फिश में स्केल अब्सेंट होता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। कैट फिश में, कैट फिश को कहते हैं क्लेरियास अथवा मांगुर, क्या कहते हैं इसको, मांगुर, जो लोग खाते होंगे बेहद पसंदीदा मछली है मांगुर ठीक है, दो इसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं साइड में ठीक है, कैट फिश है, और इसको क्या कहते हैं, क्लेरियास, और सामान्य नाम मांगुर। और वैलागो अट्टू इसको क्या कहते हैं, सामान्य नाम में इसको कहते हैं पहना, पहना, आप जानते हैं कि बिल्कुल जो लोग यूज करते होंगे वो जानते होंगे, इसमें भी स्केल्स नहीं होती है। और यूपी की यह खाने वाली स्वच्छ जली मछली है, यह पहना जो वैलागो अट्टू है यह स्वच्छ जल में होती है ठीक है, मछली अगर कीचड़ वाली में आ जाएगी तो मर जाएगी ठीक है। और ये और कैसी होती है, स्केललेस होती है। टॉर्पीडो भी है, टॉर्पीडो भी स्केललेस है। अब चलते हैं अगली पॉइंट्स पर, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि इंडो स्केल्टन इज कार्टिलेजिनस अथवा बोनी, जो इसमें अंतः कंकाल होता है दोस्त, इसके अंदर जो कंकाल होता है अंतः कंकाल ये कैसा होता है, या तो उपास्थि होगी या तो इसमें अस्थि होगी, हड्डी होगी या उपास, उपास जानते हैं लचीली होता है, हमारे कान वान में ऐसे जो घूम जा रहा है उपास्थि है ना। तो अब जहां बोन होंगी वो कठोर भाग होगा। एक्सटर्नल
एंड मिडिल ईयर एब्सेंट, इसमें आंतरिक और मध्य कर्ण क्या होता है, एब्सेंट होता है, ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट, केवल इसमें इंटरनल ईयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। ये अगली खास बात देखिए, आईज आर विदाउट लिड्स, ठीक है, इसमें जो आंख होती है बिना पलक के होती है, जैसे हम लोगों की आंख है दोस्त, अगर कोई हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई मच्छर आया, तो हम लोग आंख अपना मतलब पलक से बंद कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अपनी कोई आ रहा है इनकी आंख की तरफ तो आप अपनी आंख बंद कर लें, ऐसा नहीं, खुली की खुली आईलिड इस पे नहीं होता है, ठीक है। टीथ आर एक्रोडोंट, ठीक है, इसमें जो टीथ होते हैं एक्रोडोंट होते हैं, अर्थात वो बोन्स के एकदम ऊपर और नुकीले होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं इसमें, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें फिश में दांत कैसे होते हैं, एक्रोडोंट। और स्कूल, इसमें जो स्कूल होती है खोपड़ी, मोनोकंडाइलर इस टाइप की होती है, अर्थात वन ऑक्सीपिटल होती है, वन ऑक्सीपिटल होती है, मोनोकंडाइलर इसमें स्कूल पाई जाती है, ठीक है। अगली खास बात क्या है दोस्त, उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से यह लेक्चर दोस्त आप लोगों को किस प्रकार से आपको लगता है, क्योंकि इस लेक्चर में एकदम पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं हम, ठीक है, क्या इस प्रकार का लेक्चर आप लोगों के लिए लाभकारी होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और एक उपयुक्त मैटर आपको दिया जा सके, ठीक है, समय कम हो और आपको एग्जैक्ट मैटर दिया जा सके, ठीक है, और इस कारण से और क्वेश्चन जहाँ से आने वाले हैं उनको भी हम इसलिए हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट्स क्या है, और आपके यदि कोई सुझाव है दोस्त, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है, और उसका आपको उत्तर भी मिलेगा। मसल्स आर अरेंज्ड इन मायोटोम्स, मसल्स इसमें मायोटोम्स के रूप में अरेंज होती है। मायोटोम्स क्या है दोस्त, आप जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है, ऐसी संरचना मायोटोम्स। अब देखिए अगली बात ये कि मछलियां मुख्य रूप से अंडे देने वाली होती हैं, ओवीपेरस, लेकिन क्या दोस्त कि जो शार्क मछली होती है, अर्थात स्कोलियोडॉन या कह लीजिए कार्टिलेज जीनस फिश में जैसे शार्क मछली है स्कोलियोडॉन, ये वीवीपेरस होती है, अर्थात ये बच्चे को अर्थात शिशु को जन्म देती है, यह अंडे नहीं देती है, कौन, स्कोलियोडॉन, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली खास बात यह कि आपकी इसमें फिशेज जो होती हैं पोकाइलोथर्मिक होती हैं, पोकाइलोथर्मिक का मतलब क्या है, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, कोल्ड ब्लडेड। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पहले भी कि BMW याद रखिएगा, बी फॉर बर्ड, बर्ड, एम फॉर मैमेल्स, मैमेल्स, ठीक है, मैमेल्स, और W फॉर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड में केवल बर्ड और मैमेल्स होती हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात ये कि RBC इसका न्यूक्लिएटेड होता है, फिशेस में RBC कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। अगला पॉइंट्स क्या है कि किडनी इसमें मीजोनिफ्रिक प्रकार की होती है, कल के क्वेश्चन में था। और दोस्त एक बात और बता दें कि आप लोगों ने ही सुझाव दिया कि पहले लेक्चर होना चाहिए सर, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कराइए, तो मैं अब उसी अनुसार चलूंगा, पहले लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे फिर प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। अगर इसका प्रैक्टिस सेट आप नहीं किए, जो लोग भी लोग, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से इसका प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगली खास बात ये कि हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, फिश में हार्ट कैसा होता है, चार चैम्बर वाला होता है, इनमें हार्ट में एक आर्किल और एक वेंट्रिकल होता है, एक आर्किल और एक वेंट्रिकल, इस प्रकार का जो हार्ट होता है मछली में, मछली के हार्ट को प्रायः विशेष नाम दिया गया वीनस हार्ट, ये बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, वीनस हार्ट, कौन सा हार्ट दोस्त, वीनस हार्ट, ये है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, वीनस हार्ट, ठीक है, मछलियों का जो होता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि पंपिंग इन प्योर ब्लड ओनली, क्योंकि इस हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है रुधिर, केवल अशुद्ध रुधिर पंप किया जाता है, इसे वीनस हार्ट कहते हैं। अगली खास बात यह दोस्त कि इसमें जो लीवर होता है मछलियों में वो बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड दोनों प्रकार के होते हैं, द्विलोब भी वाले भी, तीन लोब। अब बाइलोब किस में होता है, ट्राइलोब किस में होता है, इसको समझिए, बाइलोब्ड होता है कॉन्ट्रैक्टिज में और ट्राइलोब होता है ऑस्ट्रिक्थिज में। अभी घबराइएगा नहीं, कॉन्ट्रैक्टिज क्या है, ऑस्ट्रिक्थिज क्या है, प्लाइकोडर्मी क्या है, अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन करके भी आपको समझा रहा हूं, कहीं आप बस बैठिए और इसको नोट करिए, पढ़ते रहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिज और ऑस्ट्रिक्थिज,
बोनी फिशेस, देख रहे हैं आप क्या है, बोनी फिशेस में कैसी होते हैं, ट्राइलोब होते हैं लिवर, और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उसमें बाइलोब होता है बीसी, ठीक है। कार्टिलेजिनस में बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड किसमें, टीबी अर्थात टीबी, टीबी और बीसी, ठीक है। बाइलोब्ड कार्टिलेजिनस, ट्राइलोब्ड बोनी फिशेस में होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। अगली खास बात देखिए जरा, अगली खास बात क्या है उसको भी देख लेते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है। देखिए अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक, एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक अथवा यूरिकोटेलिक होता है, अमोनोटेलिक अथवा यूरियोटेलिक, नॉट यूरिको, यूरियोटेलिक, ठीक है। ध्यान दीजिए किसमें अमोनोटेलिक होता है मेरे भाई, अमोनोटेलिक इसका मतलब इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होती है, और यूरियोटेलिक मतलब NH2CO, NH2 यूरिया होता है। अब देखिए अमोनोटेलिक कौन होता है, ये होती हैं फ्रेश वाटर मछलियां, स्वच्छ जली मछलियां कैसी होती हैं, अमोनोटेलिक होती हैं, और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ये यूरियोटेलिक होती हैं, और एक और है जो मैराइन बोनी फिशेस होती हैं ये क्या एक्सक्रीट करती हैं, क्या उत्सर्जित करती हैं, ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्साइड, ठीक है, ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड, यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है, कि मैराइन बोनी फिशेस का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, तो ट्राइमेथिलेमीन ऑक्साइड होता है, ठीक है। अगली खास बात देखिए जरा, क्रैनियल नर्व, भाई क्रैनियल नर्व ध्यान रखिएगा, क्रैनियल नर्व 10 पेयर्स होती है, क्रैनियल नर्व कितनी जोड़ी, 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व पाई जाती है, और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसमें जो लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इस कारण मछलियों को यूनिसेक्सुअल कहते हैं, अर्थात नर अलग मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ठीक है। और इग के बारे में बात करें तो इग मैक्रोलेसिथल, इग कैसा होता है, मैक्रोलेसिथल, इसका मतलब इसमें अधिक मात्रा में योक होता है, योक की अधिकता के कारण इसे क्या कहेंगे, मैक्रोलेसिथल इग कहते हैं। तो मछलियों का इग कैसा होता है, मैक्रोलेसिथल इग होता है। अगली खास बात ये, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। अब देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, वो होती है एमनियन, क्या होती है एमनियन, मैंने बताया था राम मैंने बताया था कि राम में क्या रेप्टाइल्स और एवीज और मैमल्स, इसमें क्या होती है एमनियन, ठीक है, एमनियन अर्थात एमनियन होता है, एमनियोटा कहते हैं इसको। अब इसमें यही मेम्ब्रेन एम्ब्रियन नहीं होती, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिस कारण से इसको एन एमनियोटा में रखते हैं, किसमें, एन एमनियोटा में रखते हैं, ए एमनियोटा में रखते हैं, ठीक है। अगली खास बात देखिए, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल अथवा इंटरनल, सॉरी फर्टिलाइजेशन इसमें आंतरिक होता है या बाह्य होता है, आंतरिक अथवा बाह्य होता है निषेचन इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला कि स्मॉल फिशेस, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं दोस्त उसे आप बेबी फिश कहिए, जो छोटी मछलियां होती हैं अथवा बेबी फिश, आर कॉल्ड फ्राई आर हैचिंग। देखिए हैचिंग मछलियों को आप देखते हैं कि ब्रीडिंग होती है इसकी, तो जब से छोटी मछलियां होती हैं कहती हैं इनकी हैचिंग चल रही है, अर्थात वो फ्राई मछलियां कहलाती हैं, या अपनी भाषा में कह दो छोटी छोटी मछलियां ले आए, कहे भाई इसको बना तो नहीं सकते, इसको फ्राई कर दो, तो फ्राई, ठीक है। छोटी मछलियों को क्या नाम देते हैं, हैचिंग अथवा फ्राई कहते हैं, क्या कहते हैं, हैचिंग अथवा फ्राई कहते हैं। अगली खास बात क्या है दोस्त, अगली देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन बोनी फिशेस, जो बोनी फिशेस होती हैं उसमें एयर ब्लैडर होता है। एयर ब्लैडर क्या है दोस्त, इसमें वायुकोश होता है, वायुकोश, अब इसमें वायु भरी रहती है उसमें, जिस कारण इसको क्या करती है, तैरने में, देखिए किसमें किसमें मदद करता है एयर ब्लैडर्स, दीज आर रिस्पायरेटरी बैलेंसिंग एंड साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है, बैलेंस बनाने में भी यह एयर ब्लैडर्स और रिस्पिरेशन और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी होता है, ठीक है, और एक तरीके से स्विम करने में भी मदद करते हैं। अगली खास बात देखते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको तो भूलिएगा नहीं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, आप ध्यान दीजिए क्या इंपॉर्टेंट, हां थोड़ा सा यहां पर यह भी आ जाता है कि आप फिशेस माइग्रेट मेनली फॉर ब्रीडिंग, माइग्रेशन फिश में, मछलियों में माइग्रेशन पढ़ना है, माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो मछलियों में जो माइग्रेशन होता है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं वो ब्रीडिंग के लिए जाती हैं, मुख्य रूप से किसके लिए, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन,
प्रजनन के लिए जाती हैं मछलियां, ठीक है, फिशेस माइग्रेट होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन जाएंगी तो पानी में ही जाएंगी ना, या तो स्वच्छ जल में है स्वच्छ जल में जाएंगी, या तो स्वच्छ से मैराइन वाटर में जाएंगी, या मैराइन से स्वच्छ जल में, या मैराइन से मैराइन में, ठीक है, इस तरह से इसकी कंडीशन हो सकती है। तो देखिए यहां पर चार प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं उसको कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं उसको भी ध्यान दीजिए। माइग्रेशन की बात करें तो एक है कैटाड्रामस, फिर एनाड्रामस और पोटाइमोड्रामस और ओसिनोड्रामस और एम्फीड्रामस। कितने ड्रामस हैं दोस्त यहां पर आप देख रहे हैं कि ये ड्रामस हम बात कर रहे हैं, कैटाड्रामस, एनाड्रामस, पोटाइमोड्रामस, ओसिनोड्रामस और एम्फीड्रामस। कितने प्रकार का? पांच प्रकार के यहां आपको देखने को मिल रहा है ड्रामस। ड्रामस इसको समझिए, इसको आप समझिए मेरे भाई, इसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। कैटाड्रामस किसे कहते हैं? जब मछलियां फ्रेश वाटर से समुद्र में जाती हैं, स्वच्छ जल से कहां लवणीय जल में जाती हैं, ठीक है, अर्थात रिवर से सी में, कहां रिवर से किसमें जाती हैं, सी में, और सी का जो पानी होता है वो होता है मैराइन, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं? कैटाड्रामस। कल मैंने बताया था कि कैट मींस बिल्ली, ड्रामा कर रही थी मर गई, बिल्ली जब मर गई तो नदी में हमने फेंका, नदी से कहां चली गई? समुद्र में चली गई नदी का पानी मिलते हुए, तो नदी का पानी फ्रेश है, फ्रेश से कहां चली गई वो सी वाटर में, तो हम कैट मींस कैट को फेंका तो वो रिवर से सी में चली गई, तो कैट मतलब कैटाड्रामस हो गया। फिर उसके अपोजिट क्या है? एनाड्रामस। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? एंगुला। क्या एंगुला जो फिश होती है उसका क्या प्रदर्शित करती है? कैटाड्रामस, ठीक है, कैटाड्रामस। एनाड्रामस में देखिए, जब सी से मतलब सी से फ्रेश वाटर में, सी से कहां चल दे, फ्रेश वाटर में चलती हैं, अब ए से एनाड्रामस, अब यहां इसका एग्जांपल है सलमान और हिल्सा, ठीक है, हिल्सा मछली और सलमान इसमें क्या प्रदर्शित करती हैं? एनाड्रामस, अर्थात ये ब्रीडिंग के लिए सी से किधर चलती हैं? फ्रेश वाटर की तरफ। पोटाइमोड्रामस किसे कहते हैं? जब फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर मछलियां चलती हैं समान रूप से। ओसिनोड्रामस किसे कहते हैं? जब मैराइन से मैराइन की तरफ चलती हैं, मैराइन से मैराइन वाटर की तरफ। और एम्फीड्रामस किसे कहते हैं? जब बिना उद्देश्य का अर्थात कंप्लीटली फ्री मूवमेंट करती हैं, और फिशों का जब कंप्लीटली फ्री मूवमेंट होता है फ्रॉम फ्रेश टू मैराइन, ठीक है, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में, जब ये प्रजनन के उद्देश्य से ना चलें ऐसे चलें या उससे मैराइन से फ्रेश में आ जाएं, फ्रेश से मैराइन में, तब उसे एम्फीड्रामस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीड्रामस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट्स आपकी समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। अगली पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए लंग फिश, इस लेक्चर को आप पूरा विस्तार से देखिए दोस्त, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। इस तरह से हमारा लेक्चर पाने के लिए देखिए, अगर ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में आप लोग आते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव होते हैं संख्या में, तो अपना भी मनोबल बढ़ेगा, और इसमें और धुआंधार तरीके से मैं इसका एक मॉडिफाइड रूप दूंगा, एग्जैक्ट पॉइंट टू विथ ट्रिक्स के साथ, ठीक है। अगर ना यकीन हो तो ये संख्या आप क्रॉस करा दीजिए 100 के ऊपर देखिए आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लंग फिश डिप्नोई ग्रुप, क्या कहते हैं इस दोस्त? डिप्नोई ग्रुप, ठीक है। ये लंग फिश हैं फुफ्फुस मछली, इसका एक अलग से ग्रुप है डिप्नोई ग्रुप। डिप्नोई ग्रुप में मुख्य रूप से जो लंग फिश होती हैं फ्रेश वाटर फिश होती हैं। क्या होती हैं? फ्रेश वाटर। तीन क्वेश्चन तो यही बन गए, लंग फिश का इस समूह में शामिल हैं डिप्नोई ग्रुप में, और ये कैसी होती हैं? फ्रेश वाटर फिश होती हैं। अब जो लंग फिश हैं, जैसे मैंने कैटाड्रामस एनाड्रामस में बताया, क्वेश्चन तो आता है तो वहां से उसको ध्यान रखना है, तो वैसे यहां पर ध्यान रखना है। लंग फिश को ऑल्सो क्या कहा जाता है? अंकल ऑफ एम्फीबिया। इस लंग फिश को अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, अंकल ऑफ एम्फीबिया किसे कहते हैं? लंग फिश को। क्यों? क्योंकि एयर ब्लैडर हेल्प इन रिस्पिरेशन, इसमें एयर ब्लैडर किसमें मदद करता है? श्वसन में सहायक होता है, जिस कारण से अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो लंग फिश हैं ये मुख्य रूप से कितनी हैं? तीन हैं लंग फिश, 1, 2, 3 लंग फिश हैं, तीन लंग फिश हैं दोस्त। इन लंग फिश को आप ध्यान रखिए, इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश, अमेरिकन लंग फिश, ठीक है। इसका मतलब है मैंने लिखा लंग फिश, ठीक है, क्या लंग फिश यहां पर भी और लंग फिश यहां पर भी, ठीक है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, अमेरिकन लंग फिश है। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कौन है? नियोसिरेटोडस। नियोसिरेटोडस को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। और प्रोटोप्टेरस को कहते हैं हम अफ्रीकन लंग फिश, और लेपिडोसाइरेन को कहते हैं अमेरिकन लंग फिश। अब ये याद कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको फार्मूला भी बताया था, एक बार फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूं। देखिए
आपने बिग एफएम एसएफएम सुना होगा, लेकिन मैं यूएफएम की बात करता हूं। क्या? यूएफएम, यूएफएम। और आईपीएल सुना होगा, लेकिन मैं एनपीएल की बात करता हूं। यूएफएम पे मैं एनपीएल सुन रहा था। क्या सुन रहा था? एनपीएल। इसका मतलब क्या है? अब इसके आगे सब में ए लगा दीजिए, यूएफएम में ए लगा दीजिए। एक मतलब ऑस्ट्रेलियन फिश, कौन सी है? यन से क्या? नियोसिरेटोडस। एएफ का मतलब अफ्रीकन, अफ्रीकन फिश कौन है? प्रोटोप्टेरस। और एएम का मतलब अमेरिकन फिश कौन है? वो है लेपिडोसायरेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट्स आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो लंग फिश के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट टेल इन फिशेस, फिश में। अब हम टेल की बात करने चल रहे हैं दोस्त, फिश में टेल की बात करने चल रहे हैं कि आखिर मछलियों में पूंछ किस किस प्रकार की होती है। यहां से वे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए टेल इन फिशेस में कितने प्रकार की टेल होती है? पांच। प्रोटो सर्कल, हेट्रो सर्कल, हाइपो सर्कल, होमो सर्कल और डिफी सर्कल। ठीक है, डिफाई सर्कल, प्रोटो सर्कल, हेट्रो सर्कल, हाइपो सर्कल, होमो सर्कल और डिफाई सर्कल। ठीक है, कितने प्रकार की? पांच। अब ये पूंछ होती क्या है, कितने प्रकार की है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कैसे समझेंगे आप? देखिए प्रोटो सर्कल प्रारंभिक प्रकार की जब थी मछलियां उसमें पूंछ, इसका मतलब ये देखिए ये इसकी बीच की हो गई, इसकी जो बोन्स है या कार्टिलेज, और डार्सल लोब और वेंट्रल लोब इसमें अलग अलग हो गए। ठीक है, इसकी पूंछ में समान से सिंपल से जैसे साइक्लोस्टोम्स में, ठीक है, साइक्लोस्टोमा में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? प्रोटो सर्कल होती है। ठीक है, साइक्लोस्टोमा में। और हेट्रो सर्कल क्या है? हेट्रो सर्कल में जो ऊपर की लोब होती है बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है। ठीक है, इस तरीके से तब इसे कहेंगे हेट्रो सर्कल, मतलब ये भिन्न हो गया। होमो बराबर होता तो होमो सर्कल हो जाता है, ऊपर का बड़ा हो गया। कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है, कौन सा? हेट्रो सर्कल टेल पाई जाती है कार्टिलेजिनस में। ठीक है, और हाइपो सर्कल क्या है? जब नीचे वाला पोर्शन बड़ा हो जाए, ये नीचे वाला बड़ा हो जाए, तब इसे हम क्या कहेंगे? हाइपो सर्कल कहते हैं। ये प्रिमिटिव फिश का करेक्टर था। ठीक है, प्रारंभिक जो प्रकार की मछलियां थी। होमो सर्कल क्या है और डाइफ्यू सर्कल क्या है? देखिए होमो सर्कल में ये दोनों जब बराबर हो जाए, क्या हो जाए दोनों दोस्त? बराबर, तो इसे कहते हैं बोनी फिशेस। और डिफाई सर्कल भी किसमें पाई जाती है? बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस का ये जो टेल होती है कैसी होती है? होमो सर्कल एंड डाइफी सर्कल, ये दोनों होती है बोनी फिश की। तो ये आप याद रखिए बोनी फिश में HD, ठीक है, या होडी। चलिए अब थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि टेल भी आप समझ गए होंगे, हम चलते हैं। देखिए जो यहाँ पर कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस को इलास्मो ब्रांकी या कॉन्ट्रैक्टिस कहते हैं। इसमें आपने देखा था डॉग फिश को, तो जो डॉग फिश है स्कॉलियोडॉन, उसकी जो पूंछ है वो कैसी होती है? हेट्रो सर्कल होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला पॉइंट थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में। जो पिसीज है इसके कितने क्लास हैं दोस्त? यहाँ पर क्लास है तीन। कितने हैं पिसीज के क्लास? तीन हैं। कौन? प्लाइकोडर्मी है और कॉन्ट्रैक्टिस है और ऑस्ट्रिक्थीज है। प्लाइकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्ट्रिक्थीज। अब प्लाइकोडर्मी मुख्य रूप से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अर्थात ये मछलियाँ विलुप्त तो हो चुकी हैं। ठीक है, प्लाइकोडर्मी, और क्योंकि इसे फॉसिल फिशेस भी कहा जाता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? फॉसिल फिश कहते हैं, फॉसिल फिश कहते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे क्लिमेटियस, कौन सा? क्लिमेटियस। क्लिमेटियस ही फर्स्ट जॉ फिश है, प्रथम जबड़े वाली मछली कौन सी है? क्लिमेटियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, फर्स्ट जॉ फिश कौन सी है? क्लिमेटियस। ठीक है, अगली खास बात अब यहां से चलते हैं कॉन्ट्रैक्टिस में। कॉन्ट्रैक्टिस अथवा इसे कहते हैं इलास्मो ब्रांकी। क्या कहते हैं? इलास्मो ब्रांकी। और इसमें कौन शामिल है? कार्टिलेजिनस फिश हैं, उपास्थि वाली मछलियां शामिल हैं, कार्टिलेजिनस फिश हैं इसमें। और ऑस्ट्रिक्थीस में कौन है? बोनी फिशेस हैं, जिसमें हड्डी होती है दोस्त, हड्डी। वो कौन सी किसमें आती है, किस क्लास में? ऑस्ट्रिक्थीस में। और जिसमें उपास्थि होती है कॉन्ट्रैक्टिस या इलास्मो ब्रांकी। अब इसकी इसके थोड़े से हम करेक्टर की बात करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिस होती है मोस्टली मेराइन होती है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं, आप याद रखिएगा हमेशा स्कॉलियोडॉन को, किसको? स्कॉलियोडॉन को याद रखिए। इसमें आप मान लीजिए रोहू, क्या रोहू जैसे, ठीक है, और मांगूर, ये सभी। तो स्कॉलियोडॉन इसमें देख लीजिए मोस्टली मेराइन होती है, ये बोथ मेराइन और फ्रेश, ये दोनों स्वच्छ जली भी होती हैं और मेराइन भी होती हैं। अब इसमें जो स्केल पाई जाती है कॉन्ट्रैक्टिस में भी प्लेकॉइड स्केल होती है। ये प्लेकॉइड स्केल कैसी होती है दोस्त? कुछ इस प्रकार से होती है, ये प्लेकॉइड स्केल होती है, कुछ इस प्रकार की स्केल पाई जाती है इसमें, ठीक है। इसकी स्केल होती है साइक्लॉयड, टीनॉयड और गेनॉयड प्रकार की होती है। इसमें माउथ वेंट्रल होता, भी मैंने बताया था इसका माउथ बनाया था। वेंट्रल कैसे होता है? ये अंदर की तरफ है, यहाँ मुंह होता है, ठीक है, वेंट्रल। और इसमें टर्मिनल अर्थात मुख हमने बताया था आपको कि यहाँ होता है, ठीक है, टर्मिनल होता है।
अब एम्पुलाय ऑफ लारेंजनी, ये विशेष करेक्टर बहुत बार आ भी चुका है, ये किसका, स्कोलियोडॉन में, ठीक है, स्कोलियोडॉन याद रखिएगा। एम्पुला ऑफ लारेंजनी होती है, ये किसके जैसा कार्य करता है, थर्मोरिसेप्टर की तरह कार्य करता है, अर्थात ये क्या होता है कि उसके हेड में होता है, उपस्थित होता है एक अंग एम्पुला ऑफ लारेंजनी, और यह हीट के प्रति या उष्मा के प्रति संवेदी होता है, ये तुरंत टेम्परेचर बढ़ा या घटा तुरंत सूचना दे देता है, बता देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें एम्पुला ऑफ लारेंजनी नहीं होती, किसमें, ऑस्टिक्थीज में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें और भी पॉइंट्स क्या हैं, उसकी भी तुलना करते हैं। देखिए अब यहाँ टेल जो है हेट्रोसर्कल होती है, कैसी होती है, हेट्रोसर्कल होती है, अर्थात एक बड़ा दूसरा छोटा, हेट्रोसर्कल प्रकार का। इसमें होमो और अथवा कैसी होती है, डिफी सर्कल होती है, डिफाई सर्कल अथवा होमो सर्कल, इस प्रकार से दोनों ये बड़े बराबर होते हैं, ठीक है। लीवर इसमें बाइलोब्ड होता है, और इसमें लीवर बोनीफिसिस में ट्राइलोब्ड होता है, बीटी, ठीक है, मैंने बताया बोनीफिसिस में ट्राइलोब्ड। और स्क्रॉल वाल्व इसमें होता है, इसमें स्क्रॉल वाल्व अथवा स्पाइरल वाल्व भी कहते हैं इसको, स्पाइरल वाल्व, ठीक है, स्पाइरल वाल्व अथवा स्क्रॉल वाल्व होता है, और इसमें स्क्रॉल वाल्व, स्क्रॉल वाल्व अथवा स्पाइरल वाल्व नहीं होता। आगे मैं बता रहा हूं ये है क्या, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में होता है स्पाइरल वाल्व अथवा स्क्रॉल वाल्व, अब ये क्या है, घुमावदार करके अधिक इंक्रीज करता है, किसमें, उसके एरिया को पकड़ता है, ठीक है। अब इसमें गिल्स की संख्या 5 से 7 जोड़ी होती है, किसमें दोस्त, इलास्मोब्रांकी अर्थात कॉन्ट्रैक्टीज देख रहे हैं, इसमें उपास्थि वाली मछलियों में गिल्स कितना होता है, 5 से 7 जोड़ी, इसमें हड्डियों वाली मछलियों में कितना होता है, 4 जोड़ी, ठीक है, 4 जोड़ी। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, देखते हैं दोस्त इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कार्टिलेजिनस फिश को इलास्मोब्रांकी कहते हैं, ऑस्टिक फिश को टीलियोस्टोमी भी कहते हैं, अथवा ये बोनीफिसेस हैं, ऑस्टियोफिस में, ऑस्टिकथीज में बोनीफिसेस हैं, कार्टिलेजिनस फिश में इलास्मोब्रांकी, अथवा इसमें कौन है, कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है, इलास्मोब्रांकी में, या इसी को कॉन्ड्रैक्टीज कहते हैं, कॉन्ड्रैक्टीज कहते हैं दोस्त, कॉन्ड्रैक्टीज, ठीक है। अब देखिए इसमें है कॉन्ड्रैक्टीज, या जिसमें उपास्थियां होती हैं, हड्डियां नहीं, उपास्थि होती हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे स्कोलियोडॉन, इसे कुत्ता मछली कहते हैं, डॉग फिश है स्कोलियोडॉन, कुत्ता मछली डॉग फिश, और स्टेगोस्टोमा है जिसे टाइगर फिश या जेब्रा शार्क कहते हैं, उपनाम भी इसके बहुत आ जाते हैं मेरे भाई, उपनाम भी इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट कि व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क को क्या कहते हैं, राइनियोडॉन कहते हैं, और यही सबसे लार्जेस्ट ट्रू फिश है, व्हेल शार्क सबसे लार्जेस्ट फिश है, लार्जेस्ट ट्रू फिश है, सत्य मछली है राइनियोडॉन, इसको कहते हैं व्हेल शार्क, ठीक है, राइनियोडॉन व्हेल शार्क सबसे बड़ी है। और अगला जो इसका एग्जाम्पल है काइमेरिया, रैट फिश कहते हैं काइमेरिया को, इसका दूसरा नाम है किंग ऑफ हेरिंग, ठीक है, रेड फिश का दूसरा नाम किंग ऑफ हेरिंग, अथवा घोस्ट फिश, भूत मछली कहते हैं इसको, भूत मछली, रेड फिश को भूत मछली भी कहते हैं, इधर रेड फिश तो उधर कैट फिश, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें बोनी फिश में जैसे लेबियो रोहू होता है, इंडियन कार्प भी कहते हैं इसको, और क्लेरियास है, क्लेरियास कैट फिश, देखो इधर रेड फिश था चाइमेरिया, और ये क्लेरियास कैट फिश जिसे मांगूर कहते हैं, ठीक है, कैट फिश कुत्ता मछली, इधर चूहा मछली है, ठीक है। और एक कटला हो गई इसमें जो फ्रेश वाटर में रहती है, लैटीमेरिया अथवा सिलाकैंथ, इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, लैटीमेरिया अथवा सिलाकैंथ ये कैसी है, लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, उनके एग्जाम्पल को और भी हम आपको बताते हैं, इसका और क्या एग्जाम्पल है दोस्त, इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए टारपीडो भी है जिसे इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, ठीक है, टारपीडो अथवा इलेक्ट्रिक रे, यह भी इलास्मोब्रांकी में है। और स्वच्छ जो हड्डी बोनीफिसेस का एग्जाम्पल है, और क्या है, वेलागोनिया, इसे लाची भी कहते हैं, वेलिगोनिया, वेलागल अट्टू भी था, वेलोगोनिया जिसे लाची कहते हैं, ये स्केललेस फिश होती है, यह भी, ये ध्यान रखिएगा स्केललेस फिश है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस हो गया बोनीफिसेस में, अथवा सीहार समुद्री घोड़ा, अथवा इसे प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं, समुद्री घोड़ा को प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट, हिप्पोकैम्पस सीहार्स नाम है और प्रेग्नेंट मेल भी इसका नाम है। अगला है इग्जोसीटस, इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, इग्जोसीटस फ्लाइंग फिश, यह ट्रू मछली है, सत्य मछली है, फ्लाइंग फिश इग्जोसीटस, ठीक है, फ्लाइंग फिश।
और अगला है गैम्बूसिया। कौन सी दोस्त? गैम्बूसिया है जिसे टॉप मिन्नो कहते हैं। यह लार्वी बोरस होती है, अर्थात मच्छर के लार्वा को क्या करती है, भक्षण कर जाती है। इस कारण से बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में इसे यूज किया जाता है, अर्थात मलेरिया का जब ज़्यादा फैलता है तो उसे कंट्रोल में गैम्बूसिया का उपयोग होता है। ठीक है, गैम्बूसिया ये याद रखिएगा, ये लार्वा को खा जाती है, लार्वा का भक्षण करती है। तो एग्जाम्पल की बात तो हुई फिनिश दोस्त, लेकिन अब कुछ पिन पॉइंट्स हैं, कुछ पिन पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि आखिर वो पिन पॉइंट्स क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए पिन पॉइंट्स में कुछ स्टार पॉइंट या कह दीजिए क्या है पिन पॉइंट। पहला कि स्टोन फिश, स्टोन फिश किसे कहते हैं इसको ध्यान दीजिए, स्टोन फिश। स्टोन फिश से क्या संबंध है, ये मोस्ट पॉइजनस फिश है, जहरीली मछली है। कौन सी? स्टोन फिश सबसे पॉइजनस फिश है, जहरीली मछली है। ठीक है, दूसरा स्टार हिप्पोकैम्पस जो होता है ये पैरेंटल केयर प्रदर्शित करता है, पैतृक रक्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात ये सेवा करता है अपने बच्चों की। ये क्यों? क्योंकि इसमें ब्रूड पाउच होता है, थैली नुमा संरचना, ब्रूड पाउच उसमें यह रख लेता है। ठीक है, पैरेंटल केयर प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए प्रेग्नेंट मेल कहलाता है। ठीक है, प्रेग्नेंट मेल। अब अगली खास बात ये दोस्त कि यहाँ पर रिमोरा सोज कमेंसिलिज्म, ये बात ध्यान रखिएगा किस पर, सार्क पर, कमेंसिलिज्म के रूप में होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंसिलिज्म क्या है दोस्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए अगर जानते हैं तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला मरमेड पर्स, मैंने अपने पिछली बार जब कराया था प्रैक्टिस सेट तो आपसे पूछा था मरमेड पर्स क्या है, यह भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मरमेड पर्स, ठीक है, रिफर्स टू द इग कैप्सूल ऑफ सार्क। ठीक है, रिफर्स टू द इग कैप्सूल ऑफ सार्क एंड स्केट्स। ठीक है, उसके ऊपर जो आवरण होता है, अंडे के ऊपर आवरण होता है, रक्षा करता है मरमेड पर्स, उसके संदर्भ में जाना जाता है। अगली खास बात, अब यहां से को जो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, यह क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है दोस्त, इसलिए इस बार उम्मीद रखिए यह क्वेश्चन तो श्योर आने ही वाला है। ठीक है, यह क्या है, इसिंग लॉस। इसिंग लॉस क्या है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, इसिंग लॉस। ठीक है, ये क्या है, ये जिलेटिनस प्रोडक्ट है, एक जिलेटिन युक्त प्रोडक्ट है, और ऑब्टेंड कहाँ से प्राप्त होता है, एयर ब्लैडर ऑफ सर्टेन फिशेस, कुछ निश्चित मछलियों के एयर ब्लैडर से प्राप्त होता है इसिंग लॉस। ठीक है, इसिंग लॉस को आप ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको भी देखते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है। देखिए अगला पॉइंट्स है यहाँ पर प्रीहेंसाइल टेल किस में होती है, यह भी क्वेश्चन आया है। प्रीहेंसाइल टेल होता है सी हार्स में, किस में होता है, प्रीहेंसाइल टेल किस में होता है, हार्स में होता है, सॉरी समुद्री हार्स, समुद्री घोड़े में होती है, प्रीहेंसाइल टेल होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इरिथ्रोसाइट्स इन स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन के इरिथ्रोसाइट्स अर्थात आरबीसी कैसी होती है, ओवल और न्यूक्लियेटेड होती है, अंडाकार और केंद्रक युक्त होती है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रॉल वाल्व जो अभी मैंने बताया था कि स्क्रॉल वाल्व और स्पाइरल वाल्व ये होते हैं किसमें, कार्टिलेजिनस किसमें, कॉन्ट्रैक्टिज में। ठीक है, स्क्रॉल वाल्व और स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट इन स्कॉलियोडॉन, किसमें होते हैं, स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन क्यों है, क्योंकि इलास्मोब्रांकी में है ये। ठीक है, फाउंड इन इंटेस्टाइन, ये स्क्रॉल वाल स्पाइरल वाल किसमें पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया, ये क्या करते हैं, सतह को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन की सतह क्या, और थोड़ा सा क्वाइल्ड होते हैं, इसे मुड़ी हुई संरचना, दो सही एक बटे दो के रूप में। ठीक है, और इससे अगर ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा अगर मुड़ फोल्ड हो जाती है तो स्पाइरल वाल होता है, यहां तक होती है तो स्क्रॉल वाल कहलाता है। ठीक है, इट इज फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यह किसकी फोल्ड है, म्यूकस मेम्ब्रेन की एक फोल्ड होती है। ठीक है, कौन सी, स्क्रॉल वाल्व। ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा एक ट्रिक्स भी है, ट्रिक्स को भी आप देख लीजिए, मैं आपको बताया भी था यह ट्रिक्स के ट्रिक्स को बताया भी था। जैसे फाल्स फिश है, कुछ असत्य मछली हैं, असत्य मछलियों का मैंने फार्मूला बताया था कि कर्कट देवी जल की सिल्वर स्टार हैं, कर्कट देवी जल की सिल्वर स्टार हैं, ये फाल्स फिश का असत मछली का ये ट्रिक है। कर्क मतलब क्रेफिश, और क्रेफिश का नाम क्या है, एस्टकस है,
और इसका किस फाइलम का है, यह आर्थ्रोपोडा का है, क्रेफिश। यहां मैंने लिख भी दिया, अगर सत्य है तो इसका मतलब फिश का नहीं है, पिसीज में नहीं आती है, किसी न किसी फाइलम का है, तो इसलिए मैंने लिखा यह किसका है, आर्थ्रोपोडा का है, क्रेफिश। और कट का मतलब कटल फिश, और डेवी का मतलब डेविल फिश, और जल का मतलब जेली फिश, और सिल्वर मतलब सिल्वर फिश, स्टार मतलब स्टार फिश, हैग मतलब हैग फिश। ठीक है, इतनी फिश है यहां पर, कटल फिश, क्रेफिश। अब कटल फिश को क्या सीपिया को ही कटल फिश कहते हैं, या किसका, किस फाइलम का है, मोलस्का का है, मोलस्का का है सीपिया। ठीक है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश किसका है, मोलस्का का ही है, ऑक्टोपस को कहते हैं, किसको कहते हैं, ऑक्टोपस को ही डेविल फिश कहते हैं। ठीक है, और सिलेंट्रेटा का है ऑरेलिया, जिसे क्या कहते हैं, जेली फिश कहते हैं। आर्थ्रोपोडा का है लेपिसमा, जिसे सिल्वर फिश कहते हैं। और इकाइनोडर्म का है एस्टेरियास, जिसे स्टार फिश कहते हैं। और कॉर्डेट का है मिक्सिन, जिसे क्या कहते हैं, हैग फिश कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो यह जो ट्रिक है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यह तो हो गया फॉल्स फिश का। कुछ कार्टिलेजिनस फिश का हमारे पास उदाहरण है, कार्टिलेजिनस फिश का। ठीक है, देखिए उपास्थि वाली मछलियां कुछ हैं, उपास्थि वाली मछलियां जिसमें अस्थि नहीं होती, जैसे देखिए डोज सेग सारा, डोज सेग सारा, तो डो का मतलब डॉग फिश, और जेड का मतलब जेब्रा शार्क, और यस का मतलब स्टिंग रे, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक रे, जी का मतलब गिटार फिश, और सा का मतलब सॉ फिश, रा का मतलब रेड फिश। ये सभी क्या हैं दोस्त, ये सभी कार्टिलेजिनस फिश हैं। डॉग फिश का क्या नाम है, स्कॉलियोडॉन। जेब्रा जो शार्क है इसे कहते हैं स्टोगी स्टेगो स्टीमा, अर्थात टाइगर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइगर फिश कहते हैं जेब्रा शार्क को। स्टिंग रे को क्या कहते हैं, टाइगोन। और इलेक्ट्रिक रे है टारपीडो, टारपीडो इलेक्ट्रिक रे है। और गिटार फिश क्या है, राइनोबेटस है। और सॉ फिश है प्रिस्टिस, और रेड फिश है काइमेरा। ठीक है, क्या है, काइमेरा है, रेड फिश। ये सभी कैसे हैं, कार्टिलेजिनस फिश हैं। तो दोस्त इस प्रकार का लेक्चर यह कैसा है, इस तरीके से अगर आपका पूरा, हम आपको बता दें टोटल टू टोटल पूरे सभी टॉपिक पर अगर करा दिए जाए तो क्या बेटर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके अब क्लासिफिकेशन को हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दोस्त, इसके क्लासिफिकेशन की थोड़ा सा देख लेते हैं। पिसीज का क्लासिफिकेशन देखिए, ये कहाँ से आया था, पिसीज कहाँ से आया था दोस्त, अभी मैंने बताया था ये जो टर्मिनोलॉजी, किसमें कितनी प्रजातियां हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, किस पीरियड में ये उत्पन्न हुए थे। अब ये पिसीज की कहाँ से आया था, देखिए कॉर्डेटा आपने देखा था, कॉर्डेटा को कितने दो समूह में बांटा, एक एक्रेनिया, एक्रेनिएटा, दूसरा क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को प्रोटोकार्डेट्स कहते हैं, इसको यूकार्डेटा कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा और यूकार्डेटा, क्योंकि ये प्रोटोकार्डेटा प्रो मतलब प्रारंभिक प्रकार के कार्डेट थे, इसे लोअर कार्डेटा भी कहा जाता है और इसे हायर कार्डेटा भी कहा जाता है। यूकार्डेटा सत्य कार्डेटा को हायर कार्डेटा कहते हैं। अब जो एक्रेनिएटा प्रोटोकार्डेट को जानते हैं, तीन सब फाइलम है, प्रोटोकार्डेट्स के तीन सब फाइलम है दोस्त। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता दें क्लासिफिकेशन से ही फंसता है, क्लासिफिकेशन से ही आ जाते हैं, अगर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया तो उसके एग्जांपल सहित। देखिए यहां से कितने क्वेश्चन आपको, यहां हम आपको दिखाएंगे कितने क्वेश्चन यहां फंसेंगे आपके। देखिए जैसे हेमिकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा में शामिल जैसे बेलेनोग्लासस, इसका सामान्य नाम क्या, टंगवर्म। यह भी पूछ लेता है कि बेलेनोग्लासस किसका है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, नन ऐसा दे देगा तो बेलेनो, हेमिकार्डेटा में कौन, बेलेनोग्लासस, इसका सामान्य नाम टंगवर्म। यूरोकार्डेटा में किसको पढ़ना है, हार्डमानिया पढ़ते हैं, इसका सामान्य नाम सी स्क्वाड। सिफेलोकार्डेटा में कौन है, एम्फियोक्सस, और या इसे कहते हैं ब्रांकियोस्टोमा, या इसे कहते हैं लैंसलेट। ठीक है, बाल, बाल, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम, ये जो यूकार्डेटा है इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है दोस्तों, वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। यहां चलते हैं आगे, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, तो इसको भी देख लीजिए, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां एग्नेथा इसमें कौन है, जॉ अब्सेंट होती है, अर्थात जॉलेस होते हैं ये, इसमें जबड़े नहीं होते हैं, इसे लोअर वर्टिब्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं लोअर वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, क्या है, लोअर वर्टिब्रेट है ये। ठीक है, इसे दो क्लास में डिवाइड करते हैं, इसके क्लास कौन है, ऑस्ट्राइकोडर्मी है, साइक्लोस्टोमा है। साइक्लो
स्टोमाटा है, साइक्लोस्टोमाटा और ऑस्ट्राइकोडर्मी, ये एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त हैं। ऑस्ट्राइकोडर्मी फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट हैं, ये फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट हैं, और ऑस्ट्राइकोडर्म पहला इवॉल्व फिश था भाई, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन है इसमें ऑस्ट्राइकोडर्मी में फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट, जैसे सिफाइलेप्सिस और ड्रिपैनेप्सिस, ठीक है, ड्रिपैनेप्सिस और सिफाइलेप्सिस, ठीक है, इसके एग्जांपल। साइक्लोस्टोमा में इसमें मैंने बताया था राउंडेड माउथ होता है, गोल गोल मुंह होता है इसका, राउंडेड माउथ होता है, ठीक है, और इसकी बॉडी ईल शेप्ड होती है, ईल शेप्ड ऐसे बड़ी लंबी सी होती है भाई, बड़ी लंबी सी ईल शेप्ड होती है, ठीक है। जैसे पेट्रोमाइजान है और मिक्सिन, पेट्रोमाइजान को लैम्प्री कहते हैं, लैम्प्री, और मिक्सिन का दूसरा नाम क्या है, हैगफिश, कौन सा, हैगफिश है, ठीक है, हैगफिश दोस्त, ये सत्य मछली में नहीं आएगी, हैगफिश, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, असत्य फिश। अब फिर सत्य फिश कहां से आती है, यहां देखिए, अब ये तो मैंने बात कर दिया एग्नेथा, इसमें जबड़े नहीं थे, अब नेथोस्टोमेटा जो है ये हायर वर्टिब्रेट है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, जबड़े इसमें होते हैं। दो सुपर क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया, दो सुपर क्लास क्या है, एक पिसीज है, दूसरा टेट्रापोडा है, पिसीज और टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, ठीक है, चार पैर वाले, अर्थात अब हाथ भी दो हो सकते हैं, दो पैर भी हो सकता है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में जैसे रेप्टाइल्स हो गया, एवीज हो गए, और एम्फीबिया हो गया, मैमल्स, ये सभी क्या है, ये चार क्लास है टेट्रापोडा वाले हैं। देखो पांच क्लास है परम, कौन मैंने बताया था, परम। अब परम में आप देख लो, इसमें से पी कट गया, अर्थात पी इधर आ गया, पिसीज, ये पिसीज इधर हो गया और आराम इधर हो गया, आराम, ठीक है, इधर हो गया, तो ये टेट्रापोडा है आराम, ठीक है। अब पिसीज में देखिए जरा मछली, अब इसको दो क्लास, क्या कितने क्लास में, तीन क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया। तीन क्लास कौन है, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थीज, ऑस्ट्रेक्थीज, ठीक है। प्लाइकोडर्मी एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, विलुप्त हो चुकी हैं मछलियां, जैसे इसमें क्लिमेटियस, कौन सी, क्लिमेटियस फर्स्ट जॉ फिश है, इसको ध्यान रखिएगा, पहली जबड़े वाली फिश कौन सी है, क्लिमेटियस है, ठीक है, क्लिमेटियस पहली जबड़े वाली फिश है। दूसरा कार्टिलेजिनस, कॉन्ड्रेक्थीज को कार्टिलेजिनस या इलास्मोब्रांकी कहते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे स्कॉलियोडॉन और टारपीडो, इस डॉग फिश है ना भाई, डॉग फिश और टारपीडो इलेक्ट्रिक रे है। ऑस्ट्रिक्थीज अर्थात बोनी फिशेस हैं, इसमें बोनी फिश जिसमें हड्डी होती है उसे ऑस्ट्रिक्थीज में रखते हैं, जैसे रोहू हो गया, क्लेरियास हो गया, रोहू और मांगूर, क्लेरियास। और देखो यहां पर एक बात और ध्यान रखना है दोस्त, एमनियोटा मैंने यहां नोट किया एक शब्द, ठीक है, एमनियोटा, राम, एमनियोटा, एमनियोन मेम्ब्रेन होती है भाई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसमें होती है उसे एमनियोटा में रखते हैं, तो राम, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक क्लासिफिकेशन है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि यह लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा, ठीक है, सभी लोगों को मजा आया कि नहीं आया, ठीक है, एक बार जोरदार कमेंट कर दीजिए तो फिर और हमको भी मजा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में फिर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, ओके, थैंक यू।